बोनेर पुलिस ने गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी पेश कर दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बोनेर अब्दुल रशीद खान ने कहा कि माह फरवरी में पुलिस बोनेर को खातिर खा कामयाबियां मिली हैं। रिपोर्ट करेंगे सरदार अयूब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बुनेर अब्दुल रशीद खान ने बुनेर पुलिस की कमान संभालते ही जरायम पेशा अनासर मुंशियात फरोशान और इश्तिहारी मुजरमों के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले में बुनेर पुलिस की गुज़श्ता माह के दौरान कारकर्दगी बयान की। रोज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बुनेर अब्दुल रशीद खान ने कहा कि गुज़श्ता एक माह में बुनेर पुलिस ने 43 ग्राम आइस, 16 ग्राम अफियून, 92 ग्राम हीरोइन और 14,588 ग्राम चरस के साथ साथ 576 कारतूस, 47 पिस्तौल, 1 राइफल, 8 बंदूक, 4 कलाशंकोप और 9 इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार करके पाबंदी सलासल किए। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में मुंशियात व दीगर जराइम की रोकथाम के सिलसिले में बुनेर पुलिस को खातिर खा कामयाबी मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ जहाँ से मुंशियात की तरसील का अमर मशकूक हो, हमने इन चेक प्वाइंट और खुसूसन जिला बुनेर के दाहिली रास्तों पर चेकिंग का अमल सख्त बनाया है ताकि किसी भी सूरत में मंशियात की तरसील को रोका जाए। उन्होंने बुनेर पुलिस जवानों को हिदायत दी कि अवाम को यकीन दिलाइए कि हम ही उनकी जान व माल के मुहाफिज है और हम अपनी जिम्मेदारियों को बहूबी निभाएंगे। फिर में उन्होंने ताउन करने पर बुनेर की अवाम को भी सराहा और उनका शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन रहमान के साथ सरदार अय्यूब, रोज न्यूज, बुनेर।